बिहार शरीफ में विधायक सुनील सिंह की भूमिका है, वहाँ के एसपी की भूमिका है, और तड़ी पार आदमी दंगाई पर बोलेगा। जज लोया के हत्यारे जिन पर दंगा फसाद मुजफ्फरनगर, को ये जलाने वाले अमित शाह। प्रशासन सख्ती से दंगाइयों के साथ नहीं निपट रही, चूक है, कमी है, तभी तो कह रहे हैं कि एसपी की भूमिका की जांच। वो लोग दंगाई है, उनको पकड़ना है तो पकड़िए। वो तो कह रहे हैं कि दंगाइयों को गोली मार देना चाहिए। किनको गोली मार देनी चाहिए? जो दंगा में शामिल है। बिहार शरीफ में विधायक सुनील सिंह की भूमिका है, वहाँ के एसपी की भूमिका है, और बिहार शरीफ सासाराम गया में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के दंगाई हैं, गुंडे हैं। अमित शाह बोलो कि उनको उल्टा लटका देंगे, ये भेद में बात मत बोलो। और तड़ी पार आदमी दंगाई पर बोलेगा। जज लोया के हत्यारे जिन पर दंगा फसाद मुजफ्फरनगर, को ये जलाने वाले अमित शाह। मनोज जी, ये पुरानी बात है, दूसरे जगह की बात है। बिहार में आपकी सरकार में ऐसा हो रहा है, दंगे हुए हैं, तो आखिर जिम्मेवारी किसकी है? बिल्कुल, ये तो आरोप आप लगा रहे हैं। बिल्कुल आरोप यूं ही लगा रहे हैं। हमारी बकायदा दोनों जगह जांच टीम गई थी, भाकपा माले के सचेतक नेता गए थे वहां, और ये भी कह रहा हूं कि प्रशासन सख्ती से दंगाइयों के साथ नहीं निपट रही, चूक है, कमी है, तभी तो कह रहे हैं कि एसपी की भूमिका की जांच। हम डिमांड कर रहे हैं इसीलिए। तो सरकार में आप हैं। बिल्कुल। और एसपी के ऊपर आप सवाल भी उठा रहे हैं। क्यों नहीं सवाल उठाएंगे? बीजेपी वही बात कर रही है। बिल्कुल, तो बीजेपी जो बोल रही है वो तो दोहरा भूमिका में है, उधर दंगा भड़काएगी और इधर सरकार पर बोलेगी। 2024 की चाहते हैं कि हम बिहार को गुजरात जैसा जला दें, आग भड़काए, सांप्रदायिक उन्माद उत्पात, और 2024 में जाकर इसे शिक्षा फायदा उठाए। इसलिए हम कह रहे हैं सरकार से, इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जैसे सांप्रदायिक हिंसा उन्माद और उत्पात फैलाने वाले संगठनों राजनेताओं को शिनाख्त कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मनोज जी, सवाल ये भी उठता है कि इनका कहना है कि जब एनडीए के साथ नीतीश कुमार थे तो ऐसी कभी घटना नहीं घटी, महागठबंधन के साथ जाते ही दंगा क्यों होने लगा? बीजेपी बिना दंगा की पनपेगी ही नहीं, बिना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कहीं बीजेपी सत्ता में आई है? देखिए, लेकिन सरकार तो आपकी, आपके सरकार में अगर पहले से अगर दंगा हो रहा है तो आपको उसको रोकना होगा। कमी है, बिल्कुल बिल्कुल कमी है, प्रशासनिक ये कमी है। तो प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए क्या कीजिए? हरवा हथियार ये जो लहराने का इजाजत है, परमिशन है, ये नहीं मिलनी चाहिए। 10-12 साल के बच्चों को जो तलवार थमाया जा रहा है, हम अपने क्षेत्र में सड़क किनारे कुर्सी ला करके बैठे थे, सद्भाव से शांति से जुलूस गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये प्रशासन की कमी है, सही बात है। तो अब क्या होगा इस मामले में? आज सदन में वो आवाज बाहर भी है, सदन माले तो आवाज उठाएगी। नीतीश कुमार से भी मिलिएगा इस पूरे मामले पर? बिल्कुल मिलेंगे, डीएम से बात हुई है, नालंदा डीएम से बात हुई है हमारी पार्टी। नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला, अगर वहाँ इस तरीके के हम नीतीश जी आज आएंगे तो उनसे हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे कि ये सेंसिटिव इशू है, ये बीजेपी बिहार को आग के हवाले करना चाह रही है, इसे रुकना। नालंदा ही क्यों? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार का गृह जिला, अगर वहाँ पर दाग लगेगा तो पूरे बिहार में वो छींटे पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका आरोप सही है। तो देखिए, माले के विधायक यह कह रहे हैं कि सरकार से चूक हुई है और तभी इस तरीके के हिंसा हुआ है। हालांकि इसके बाद अब देखिए, आज बिहार विधानसभा में जब सत्ताधारी सरकार के सामने चुनौती बनेंगे तो विपक्ष को एक और मुद्दा मिलेगा, और नीतीश को घेरने के लिए वो काफी बड़ा मुद्दा होगा। देखना है कि माले जिस तेवर में बाहर दिख रहा है, अंदर क्या कुछ होगा, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर किस तरीके से नालंदा वाली घटना पर कार्रवाई की मांग करते हैं, और नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हैं। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।